तो कुर्मी एसटी बन जाएगा, तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, मुंडा, उरांव, खड़िया, संताल हो, भूमिज, पहाड़िया आदि, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हमारा सब एमएलए एमपी सीट, सब पंचायत का सीट, सब नौकरी, सब शिक्षण संस्थान, सब जमीन, सीएनटी एसपीटी सब लूट लेगा ये लोग। और कुर्मी खाली झारखंड में नहीं है ना, बिहार यूपी में भी कुर्मी भरा है, सब कुर्मी यहाँ के आदिवासी बन जाएगा, तो एक तो बड़ा तमाशा हो जाएगा। तो हम लोग किसी कीमत पर इसको नहीं होने देंगे, अब बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, तो ये हम लोग के एजेंडा में है। कुर्मी भोक्ता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुर्मी और भोक्ता के बारे में? नहीं, भोक्ता तो एसटी हो गया है तो वो थोड़ी आबादी है, लेकिन कुर्मी का आबादी झारखंड में भी ज़्यादा है, बिहार और यूपी में भी। नीतीश कुमार भी कुर्मी है, वो तो यहाँ आदिवासी बन के सीएम यहाँ फिर बन जाएगा, तो ये तो अजीब तमाशा हो जाएगा, हम लोग नहीं होने देंगे। अभी किसी भी जाति को फिर एसटी बनाने के मामले पर हम लोग अड़ंगा लगाएंगे कि यदि वो एसटी बनना है तो एसटी का उसका इथनिसिटी और कल्चर, माने खून से भी वो आदिवासी है कि नहीं, और उसका सांस्कृतिक जो पहचान है वो आदिवासी है कि नहीं, उसको खाली शेड्यूल ट्राइब में ढुका देने से नहीं होगा, उसके जो मूलभूत आदिवासियत के गुण लक्षण है कि नहीं उसको देखना होगा। जी सर। सर आखिरी सवाल करेंगे, आपके बैनर के, आपके पीछे जो बैनर लगा है सर, वहाँ पे जो बीजेपी के है माननीय प्रधानमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू जी सर राष्ट्रपति जो है उनका यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है सर, क्या कुछ? उनके पीछे एक ही मकसद है कि एक राष्ट्रपति हैं, एक प्रधानमंत्री हैं, और इन्हीं के हाथ में भारत के संविधान का संरक्षण का दायित्व है कि संविधान को लागू करना है, तो आदिवासियों के लिए भी लागू करो, एक मकसद ये है। और दूसरा है, सरना धर्म कोट दो और आदिवासियों का वोट लो, सीधी बात है, आपको सामने रखे हैं, आप सुनो हमारी आवाज़। दोनों फोटो लगाए हैं मीडिया के मार्फत, जनता के बीच में हम जाते हैं कि दोनों को हम लोग याद दिलाना चाहते हैं, हम आदिवासी भारत के नागरिक हैं, असली भूमिपुत्र हैं, हमको धर्म चाहिए, भगवान चाहिए, सरना धर्म कोड चाहिए, और 2023 में चाहिए, तो इसीलिए ये फोटो है। तो सरना कोड दो और आदिवासी को? हाँ, वोट दो, नहीं तो हम आदिवासी किसी ना किसी पार्टी को तो वोट देते ही हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना कोई फायदे के वोट देना तो मूर्खता है, इसीलिए कम से कम इस बार 2024 के पहले सरना कोड हम लेंगे और वोट बीजेपी को देंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि इन सबका एक ही नारा है कि सरना कोड दो और आदिवासियों का वोट लो, इसको लेकर के ये लोग जो है अब यात्रा पे निकल चले हैं, वहीं मरुमगुरु स्थल बचाने को लेकर के भी इन लोग की लंबी यात्रा जो है जारी रहेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अब किसके पक्ष पे निर्णय लेती है। जीएन भारत से नेहा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।